लॉकडाउन में मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में लॉकडाउन कैफ़े मतलब नाम रख दिया उसका। तो लॉकडाउन कैफ़े लॉकडाउन बंद हो गया, फिर बाद में कुछ तो उसका अलग करना है, मतलब अपने अपना नाम कुछ तो होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। इसके वजह से मैं वो नाम चेंज करके राहुल्स कैफ़े रखा। तो आज टीम बॉम्बे फूड रिटेल आ चुकी है एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैफ़े विच इज़ लोकेटेड एट दादर। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बॉम्बे फूड रिटेल की टीम आ चुकी है राहुल कैफ़े, जो ये कैफ़े खुद ही में एक मिसाल है। मतलब राहुल के पास मिलने के बाद एक आपको ऐसा एक कॉन्फिडेंट आता है कि मतलब हाँ भाई, मुझे भी अब ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए, कुछ जुनून मिलता है। मतलब एक कैफ़े खोला इन्होंने, इनके जॉब भी करते पर इन्होंने कैफ़े भी खोला है, और ये कैफ़े अलग स्टाइल में यूनिक है। और ये कैफ़े आप लोग देख सकते हो, मतलब ये स्टॉल खोला है सबसे पहले और फिर अंदर उन्होंने लगाया, देख लो। तो आप बोलेंगे कैफ़े लग नहीं रहा है, पर है एक कैफ़े, इनके लिए एक कैफ़े है पर हमारे लिए भी एक कैफ़े, क्योंकि तो इन्होंने जिस तरह से इसका बनाया है वो काफ़ी अलग है। तो चलिए आज हम लोग राहुल से मुलाकात करते हैं और राहुल से पूछते भी हैं कि क्या माइंड में इन्होंने ला के कैफ़े खोला था और कैसा है इनका सीन। सबसे पहले तो राहुल हाय, कैसे हो? मज़े। तो राहुल भाई, अपने इस कैफ़े का जिस तरह से ये हुआ है, जिस तरह से अलग डिज़ाइन है, आप लोग देख रहे हो डिज़ाइन, इस डिज़ाइन का एक राज बताओ और क्या है इसका कैफ़े खोलने का एक अलग राज। पहले तो 2020 में लॉकडाउन हो गया था, तो ऐसा मतलब कुछ तो करना चाहता था मैं अलग सबसे। तो लॉकडाउन में मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में लॉकडाउन कैफ़े मतलब नाम रख दिया उसका। तो लॉकडाउन कैफ़े लॉकडाउन बंद हो गया, फिर बाद में कुछ तो उसका अलग करना है, मतलब अपने अपना नाम कुछ तो होना चाहिए, सबको समझना चाहिए। इसके वजह से मैं वो नाम चेंज करके राहुल्स कैफ़े रखा। तो लॉकडाउन कैफ़े मतलब कैसा है, ऐसे ही लगा दिया है स्टोरी या नहीं? वो घर से चालू किया था पहले। हाँ, पहले घर से चालू किया था। तो मतलब देख सकते हो राहुल भाई का, पहले उन्होंने कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन दुनिया लोग घर पे बैठे थे, परेशान हो रही थी, तो उन्होंने एक टैलेंट निकाला और उसको चलो कैफे में कन्वर्ट कर दिया। उस समय भी आप कॉफ़ी और ये सब सेल करते थे, राइट? हाँ, तभी मेरे पास फूड बर्गर, चाइनीज बेल और फ्रेंच फ्राइज वगैरह वो भी सब था। और अभी ये सब मिल्क शेक। तो मतलब आप लोग देखो, ये नाम सेकेंड है, फर्स्ट पहले था लॉकडाउन कैफे। हाँ। तो लॉकडाउन के बाद राहुल भाई को खुद की पहचान चाहिए थी भाई को, तो उन्होंने बोला अब अपन खोलेंगे राहुल कैफे। और हमने बहुत सारे इंस्टाग्राम पे स्टोरी और रील पे देखा है कि आप जॉब करते हैं अपन कैफे खोलते हैं, ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। जॉब के बाद ये कैफे खोलते हैं, तो मतलब देख सकते हो राहुल भाई का कितना बड़ा, मतलब इसको आपको सैल्यूट करता हूँ। मतलब जॉब के बाद लोग सोचते हैं कि मैं टायर्ड हो जाता हूँ, अभी कुछ नहीं करेंगे, पर इनको एक कैफे खोलना था। तो मतलब वो नहीं कि बड़ा कैफे खोल सके, पर इन्होंने एक रियल में कैफे खोला। आप देख सकते हो ये कैफे, ऐसा नहीं लगेगा कि आउटलेट है या आउटलेट नहीं, ये पूरा आउटलेट जैसे ही आप लोग देखो राहुल कैफे, जिस तरह से मैंने सजाया है, जिस तरह से यहाँ पे स्टफ लगा के रखे, और शेफ भी खुद ही हो आप। हाँ, शेफ भी खुद ही, और सब मिक्सचर, और इन्होंने हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखा है, डस्टबिन जैसा कैफे में होता है ना वैसा वैसे ही है। तो आप लोग देखो यहाँ तक इनके ढक्कन, वो ग्लास और ढक्कन जो भी है, ग्लास है ये देखिए, ये ग्लास राहुल्स कैफे, इनमें भी इन्होंने ये रखा है। मतलब आप CCD स्टारबक्स फेल लाइन के आ गए हैं। तो मेरे को लगता है अगर आप जैसे 100 लोग आ गए तो स्टारबक्स और CCD नया आप खोल देंगे, राइट? तो चलिए आप हमें आज क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या खिलाएंगे वो बताइए। आज कुछ स्पेशल होना चाहिए। आज मैं आपको ओरियो किटकैट दूंगा। ओरियो किटकैट, चलो ओरियो किटकैट भाई हमारे लिए बनाएंगे भी और खिलाएंगे। तो भाई हमारे लिए अभी किटकैट ओरियो मिल्क शेक, राइट? किटकैट ओरियो मिल्क शेक बनाना चालू कर दिए। तो मतलब शेफ भी आप खुद ही हो? हाँ। शेफ का ये स्टाइल बनाना कहाँ से सीखा? YouTube पे देख के। मतलब आप लोग देख सकते हो लॉकडाउन में लोगों ने YouTube और रील यूज़ किया है, पर इन्होंने मेरे हिसाब से आप सेकंड पर्सन हो जो मुझे मिल रहे हो जो YouTube पे सीख के आपने कुछ खोला है। एक है हमारी वीडियो जो आप लोगों ने देखा होगा व्यूवर्स, चना वाली, जो अंधेरी में हमने कवर किया था, वो दोनों भाइयों ने भी YouTube पे बनना उसकी देख देख के उन्होंने कुछ स्टार्ट किया कैफे। और राहुल भाई ने भी वैसे सेम स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें सीखे। मतलब जो ब्लॉगिंग ब्लॉगर्स होते हैं एक तरह से इनको थैंक यू होना चाहिए क्योंकि आप लोग वहाँ से सीख रहे हैं। तो शेफ तैयार हो रहे हैं हमारे यूट्यूब से, उस शेफ़ के लिए आज अगर आपको शेफ़ बनना है या HM का कोर्स करना है, उसके लिए आपको HM का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब भी है, ऑनलाइन स्टडीज़। तो ये देख लो भाई साहब हमारे लिए किटकैट, अब इन्होंने किटकैट और मिल डाला है, एकदम फ्रेश है। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जितने भी मिक्सर, सबके लिए अलग अलग क्यों रखे जा रहे हैं? सब फ्लेवर अलग अलग है ना मेरे। अच्छा, सब मिक्स नहीं करोगे? हाँ। ओह, तो ये आपका अलग तरह का स्टार्टअप है। तो इसके बाद अगर आपको टाइम मिला तो फुल टाइम ये करोगे? हाँ, पर जॉब नहीं छोड़ूंगा। जॉब नहीं छोड़ोगे, क्यों ऐसा?
क्योंकि ये मेरी हॉबी है और जॉब करूँगा तो एक फिक्स अमाउंट डेली आएगा जो अगले महीने में मुझे हो सकता है कि। और बिजनेस में ऐसा नहीं लगता है आपको? बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। हाँ, अगर एक तरह से मुझे अगर ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया तो मैं खुद का शॉप लूँगा तो फुल टाइम करूँगा। मतलब अगर भाई का सोचा नहीं है, मैंने सोचा नहीं, पर मैं ज़रूर दुआ करूँगा भगवान से कि आप यहाँ से लेके सबसे बड़े कैफ़े आपका हो पूरे मुंबई में, और सबसे पहले मैं आऊँगा आपके यहाँ पे। तो इन्होंने मतलब आगे इनका प्लान है, पर कन्फ्यूज़न अभी भी है जॉब छोड़ेंगे, क्योंकि देखो बंदा हमेशा ना कोई मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करता है उनको हमेशा एक फिक्स सैलरी ज़रूर चाहिए होती है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका, जिस तरह से आप बता रहे हो वो मैं समझ सकता हूँ प्रॉपर। तो फिर भी मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, आप जिस फील्ड में हो मैं चाहता हूँ कि आप बहुत नाम कमाएं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। राहुल भाई ने हमारे लिए किटकैट ओरियो मिल्कशेक बना दिया, अब अपन इसको टेस्ट करेंगे। आप लोग ग्लास देखो, मुझे बताया ना भाई ने स्टिकर, मतलब प्रॉपर कैफ़े वाला फील है यहाँ पे। बस चेयर एक चेयर लगा दो और बस हो जाएगा फिर। तो ये किटकैट, डन। तो अभी अपने हाथ में आ गया राहुल भाई का स्पेशल बनाया हुआ, देख सकते हो आप लोग, मिल्कशेक बोलो या चॉकलेट किटकैट मिल्कशेक या ओरियो मिल्कशेक, मेरे को तो दोनों सेम ही लगता है। मैं ट्राई करके देखूंगा, आप लोग ग्लास देखो मिल्कशेक, तो अब मैं इसको ट्राई करूंगा। यम्मी, वो काफ़ी चॉकलेटी है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग दादर में आते हो तो राहुल भाई का कैफ़े विज़िट करो। एक अपने में एक यहाँ पे आने में वो कॉन्फिडेंट आता है कि भाई ने देखो जॉब भी करते हैं, और हाँ अब जॉब के साथ साथ इनको बिज़नेस करना था इसलिए इन्होंने ये छोटा सा कैफ़े डाला है। मतलब आप लोग देख सकते हो, ऐसे हमारे पास अगर लाखों लोगों ने आइडिया डाला और उनको बिज़नेस करना हो तो बहुत सारे एंटरप्रेनर्स इंडिया में ही आ जाएंगे। तो इन्होंने जिस तरह से डिज़ाइन भी किया वो काफ़ी बढ़िया है, तो मैं यस इनको सपोर्ट करना चाहूँगा। मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप दादर आ रहे हो तो आप इनके यहाँ आइए और इनको सपोर्ट कीजिए। और यस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो, और बॉम्बे फूड रील्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी। थैंक यू।